please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक में बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट राजराजेश्वरी नगर के एक फ्लैट से करीब 10,000 वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच से पहले कुछ भी कहने से इनकार किया। चुनाव आयोग के मुताबिक ये सभी वोटर आईडी कार्ड अलग अलग लिफाफे में बंद थे जिनको झुग्गियों में बांटा जाना था। 9,746 कार्ड्स आर जेन्युइन। वोटर आईडी कार्ड के साथ फ्लैट से एक प्रिंटर और 5 लैपटॉप जब्त किए गए। हालांकि चुनाव आयोग ने जांच से पहले इस मामले में किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने छूटते ही कांग्रेस पर हमला बोला और राजराजेश्वरी नगर का चुनाव रद्द करने की मांग कर दी। ये जो चुनाव है वो रद्द करना चाहिए और दोबारा कराना चाहिए राजराजेश्वरी नगर का। बीजेपी ने वोटर आईडी कार्ड को फर्जी करार देते हुए इसका आरोप राजराजेश्वरी नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पर लगाया और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से सख्ती बरतने की अपील की। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि जिस महिला नेता के फ्लैट से वोटर आईडी कार्ड मिले हैं उसका ताल्लुक बीजेपी से है। मंजुला जी भारतीय जनता पार्टी की नेता और उनकी पूर्व कॉर्पोरेटर है। ये एक रातों रात घड़ा हुआ हारी हुई पार्टी का ड्रामा है। कांग्रेस के आरोप का जवाब देने तुरंत ही प्रकाश जावड़ेकर भी सामने आए और उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हमारा मिडनाइट ड्रामा नहीं था, लेकिन उन्होंने मिडनाइट क्लाइमेक्स करने की कोशिश की। समझना चाहिए कि मंजुला पिछले चुनाव से ही कांग्रेस में है। वहीं इस पूरे मामले में जेडीएस ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कर्नाटक के चुनाव में धन का और बल का दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। जेडीएस ने भी चुनाव आयोग से इन वोटर आईडी कार्ड की सख्ती से जांच करने और निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की। राजराजेश्वरी विधानसभा के इसी फ्लैट से ये मिले थे, पूरा जो वोटर आईडी कार्ड नंबर वोटर लिस्ट, और आप देख के दंग रह जाएंगे कि ये बगल में जो नाला, एक छोटी सी नाली है, यहाँ से स्थानीय लोगों ने जब देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस तरीके से वोटर कार्ड के साथ साथ लिस्ट मिली है, वोटर कार्ड मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये वोटर कार्ड है और इस वोटर कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है ये लग्जरी जगह है जो यहाँ से काफ़ी दूर है और इस तरीके से वोटर्स के नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं और ये जो ये इस तरीके से ये कागज मिला है जिसपे आप देख सकते हैं कि नाम, जो वोटर का नाम है उसके साथ उसका कार्ड नंबर लिखा हुआ है, उसका साथ में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है पूरा और ये काफी लंबी लिस्ट यहाँ से मिली है। तो कुछ ना कुछ तो संदिग्ध यहाँ पर काम चल रहा था इस पूरे मामले में। इलेक्शन कमीशन इज सेइंग कि वी हैव गेट अराउंड 10,000 वोटर आईडी कार्ड, डिड दे गेट मोर? सर मे बी दे मोर देन 10,000 फ्रॉम द कांग्रेस पीपल हु हैव अराउंड 100 or 250 मेंबर्स, दे फाइटेड विद द बीजेपी मेंबर्स एंड दे टेकन वेंट एवरी वोटर कार्ड मोर देन 50,000। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये गटर में लोगों को मिला है। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू से, सी यू कैन सी दिस इन द स्ट्रीट लाइट फ्रॉम फॉर वन मंथ दे हैव रिमूव्ड द स्ट्रीट लाइट एंड हियर एमएलए वाज कमिंग इन द सीक्रेटली इन द नाइट टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट का खंभा केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं है और इन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर सारी जो खंभे हैं बिजली के उन सभी से ये स्ट्रीट लाइट हटाई गई है और सिर्फ जो आगे के देख सकते हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, लेकिन उसके बाद के जितने भी खंभे हैं उन पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। और लोगों का कहना है कि इस फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियाँ चलती थी और चुनाव आयोग को इस समय पता चली है जब चुनाव बिल्कुल सर पर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके की पूरी घटना सामने आई है काफ़ी चौंकाने वाली घटना है। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, राजराजेश्वरी, बेंगलोर, न्यूज 18 इंडिया। राजराजेश्वरी सीट के उस फ्लैट पर हम पहुंच चुके हैं जहां से 10,000 के करीब वोटर आईडी कार्ड मिले थे। ये आप देख सकते हैं कि इस समय फ्लैट बंद है हालांकि, लेकिन अंदर आप देख सकते हैं कि पुलिस भी है और इस कमरे की जिस तरह की स्थिति है वो दिखाती है कि यहाँ पर किस तरह से तलाशी ली गई थी। एक बक्से रखे हुए हैं, अलमारी यहाँ पर है और जो चुनाव आयोग का कहना है कि करीब 10,000 के करीब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड मिले थे और फ्लैट को इस समय हालांकि अंदर से बंद किया हुआ है। पुलिस किसी को
जाने नहीं दे रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ पुलिस भी है और लगातार ये पता करने की अब चुनाव आयोग की कोशिश है कि ये पता किया जाए कि आखिर ये फ्लैट किस मकसद से यहाँ पर ये वोटर आईडी कार्ड रखे हुए थे और क्या क्या इसका मकसद था। हालांकि यहाँ से जो कांग्रेस के सिटिंग MLA हैं वही दोबारा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये फ्लैट जिस महिला का है वो कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी की नेता थी और बीजेपी से उनके संबंध रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, वो कई साल पहले ही पार्टी छोड़ चुकी है और जो महिला का बेटा है उसका भी कहना है कि हमने अपना ये फ्लैट किराए पर दिया हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये घुसने का रास्ता था और अंदर इस समय पुलिस भी है और चुनाव आयोग के अधिकारी भी हैं। कल यहां से पूरी तलाशी लेकर के पूरा खाली कर दिया गया था और उसके बाद अब जो है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड यहां पर क्यों आए थे, क्योंकि 10,000 के करीब वोटर आईडी कार्ड मिले। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में पर्चियां मिली चुनाव आयोग की जो दिखाती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही थी और बीजेपी और JDS ने इसी कारण अब इस सीट का चुनाव रद्द करवाने की चुनाव आयोग से दरख्वास्त की है, जिस पर चुनाव आयोग अंतिम फैसला लेगा। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, राजराजेश्वरी सीट, बेंगलोर, न्यूज 18 इंडिया। और इस बीच कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट कर विवाद को और हवा दे दी है। कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार मुनिराज गौड़ा के साथ राकेश नाम के एक आदमी का फोटो ट्वीट किया है और दावा किया है कि राकेश बीजेपी से जुड़ी महिला नेता का बेटा है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस फ्लैट से वोटर आईडी कार्ड्स मिले हैं वो मंजुला नाम की महिला ने ही किराए पर ले रखा था। बीजेपी नेता सदानंद देवगौड़ा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है, लिखा है, मैं चुनाव आयोग का बयान पेश कर रहा हूं जिसमें कभी नहीं कहा गया कि मंजुला नजमरी और राकेश माँ बेटे हैं। दोनों को माँ बेटा बताने की ये कांग्रेस की साजिश है। मैं कांग्रेस को इसे साबित करने की चुनौती देता हूँ। अब कांग्रेस को चुनाव की इस धोखाधड़ी के खुलासे का डर है। राकेश मंजुला नजमारी के बेटे नहीं हैं और उन्होंने BBMP चुनाव में राकेश के खिलाफ काम किया था। उत्तर प्रदेश के फूलपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे कुछ पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करने लगे। लोग बीजेपी नेता पवन केसरी की हत्या की खबर मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे और मारे गए बीजेपी नेता के परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब फूलपुर नगर पंचायत के सभासद पवन केशरी बाइक से अपने घर जा रहे थे। आरोपी की तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। एम्बुलेंस में लेकर के इनको पहले हम लोग पार्वती हॉस्पिटल लेकर आए, उसके बाद SRN में लाए तो ये ब्रॉड डेड थे। मारे गए बीजेपी नेता पवन केसरी Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य की करीबी थे, लिहाजा पुलिस के आला अधिकारी फौरन हरकत में आए और तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। एप्लीकेशंस इन्होंने दे रखी थी, उन सब का हम पता करवा रहे हैं। उसी के आधार पे अभी हमने तीन लोगों को उठाया है, उनसे हमारी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ने जल्द ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया। गुजरात के बनासकांठा में गौशाला मालिकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। गौशाला मालिकों ने सरकार पर गायों के चारे के लिए आर्थिक मदद न देने का आरोप लगाया, जिससे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और पार्टी के विधायक अल्पेश ठाकुर गौशाला चलाने वालों के धरने में शामिल हुए। अल्पेश ठाकुर ने गुजरात सरकार पर वोट के लिए गाय की राजनीति करने का आरोप लगाया। यही नहीं, पार्टी ने गौशाला मालिकों की मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। अगर फिर भी ये लोग सुधार नहीं करते तो इस आंदोलन को हर तालुका के अंदर ले जाएंगे, हर गाँव के अंदर ले जाएंगे। गुजरात के गौशाला मालिकों ने आरोप लगाया कि पिछले 17 साल में गायों के चारे के लिए उन्हें सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली और इस बार चारा महंगा होने से गाय पालना मुश्किल हो गया, लिहाजा मदद नहीं मिलने पर वो गौशाला बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। हालांकि गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने दावा किया कि गायों को लेकर जब भी जरूरत पड़ी सरकार ने हमेशा गौशाला मालिकों की मदद की और उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। गुजरात सरकार का दावा है कि वो 2 रुपए प्रति किलो की दर से चारे की कीमत देने को तैयार है। नियम के अनुसार जो राज्य सरकार को देना है वो हमने अभी तक पूरे गुजरात में दिया ही है। हालांकि गौशाला मालिकों ने सरकारी मदद को काफी कम बताया। गुजरात के बनासकांठा में 97 गौशालाएं हैं जहां तकरीबन 60,000 गायों को रखा जाता है। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 40 किलो सोना बरामद किया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 2 यात्रियों के पास 40 किलो सोना बरामद किया जिसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिसकी वजह से 7 साल की एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और बहन को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
मध्य प्रदेश के सिवनी में एक दुल्हा बैलगाड़ी पर बारात लेकर शादी करने पहुंचा, जिसका मकसद लोगों को सादगी और कम खर्च में शादी करने का पैगाम देना था। एमपी के टीकमगढ़ में भोज ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए बनाए गए कुछ सेंटरों पर खुलेआम नकल करवाने का मामला सामने आया। एमपी के बड़वानी में सामूहिक विवाह और निकाह समारोह के समय आंधी आने की वजह से वहां लगा टेंट गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दो महिलाएं घायल हो गयी। कन्नौज में गैंगरेप की पीड़ित एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। आरोप है कि गांव के ही अनिल और विपिन ने मिलकर खेतों में पहले लड़की का गैंगरेप किया और फिर पीड़िता को बदनाम करने के लिए उसकी फोटो खींचकर वायरल कर दी। बदनामी के डर से पीड़िता ने घर पहुंचकर जहर खा लिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली कन्नौज के अंतर्गत बसीरापुर घाट में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कोतवाली कन्नौज के अंतर्गत बसीरापुर घाट में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में आई एक महिला अपना आंचल फैलाकर लोगों से पैसे मांगने लगी। इस महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से उसे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुशीला नाम की महिला अपने दिव्यांग पति को डायबिटीज के इलाज के लिए पीएमसीएच लाई थी, जहां इलाज के समय उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद महिला ने अपने पति के शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल के स्टाफ से एम्बुलेंस की मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि अस्पताल ने महिला की मदद नहीं की। पीएमसीएच हेल्प नहीं किया? नहीं। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से करीब 4 घंटे तक दिव्यांग का शव अस्पताल परिसर में ही पड़ा रहा। ऐसे में जब अस्पताल से मदद नहीं मिली तो लोगों ने पैसे देकर गरीब महिला की मदद की। अपने पति के लिए भीख मांग रहे थे कि उसके पास पैसे नहीं था कि उसका डेथ बॉडी ले जाए घर। वह औरत का लाचारी देखकर, बेबस होकर देखकर 100 का नोट हम दिए हैं। पैसा इकट्ठा होने के बाद एक प्राइवेट एम्बुलेंस से महिला को उसके दिव्यांग पति के शव के साथ घर भेजा गया। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका के ईरान परमाणु समझौते से हटने का ऐलान कर दिया और ईरान समझौते को एकतरफा और बेकार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आतंक और आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उसे अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों पर हमले का भी जिम्मेदार ठहराया। Over the years, Iran and its proxies have bombed American embassies and military installations, murdered hundreds of American service members, and kidnapped, imprisoned, and tortured. ईरान परमाणु समझौता 2015 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा की अगुवाई में हुआ था, जिसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम धीरे धीरे बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उस समझौते के बावजूद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। Just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से पहले ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को दोबारा लगाने की धमकी दी। साथ ही ईरान की नीयत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि परमाणु हथियार के मसले पर उसने पूरी दुनिया को धोखा दिया। ट्रंप ने दलील दी कि अब उस समझौते को जारी रखना नुकसानदेह होगा, क्योंकि ईरान की हरकतों की वजह से मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। If I allow this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs. वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान जारी कर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना की। ओबामा ने लिखा कि ईरान समझौते से पीछे हटने का डोनाल्ड ट्रंप का फैसला एक गंभीर गलती है और इस फैसले से पूरी दुनिया में अमेरिका की साख गिर जाएगी। ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को गलत ठहराते हुए अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि ईरान ये भरोसा दिलाया कि वो अमेरिका के बगैर भी समझौते की शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस मामले में फ्रांस, रूस और चीन से चर्चा कर आगे की राह तय करने की दलील दी। پایبند است و آمریکا کشوری هست که هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर निराशा जताते हुए ट्वीट किया कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन
JCPOA से हटने के अमेरिका के फैसले से निराश है। परमाणु अप्रसार का दौर खतरे में है। रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बेहद निराशाजनक करार दिया, लेकिन इसराइल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान समझौते से हटने के अमेरिका के फैसले का समर्थन किया। Israel fully supports President Trump's bold decision today to reject the disastrous nuclear deal with the terrorist regime in Tehran. वहीं अमेरिका के ऐलान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ईरान समझौते में शामिल दूसरे देशों से उसकी शर्तों का पालन करने की अपील की। ईरान परमाणु समझौता 2015 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा की अगुवाई में हुआ था। अमेरिका और ईरान समेत 6 देशों ने 2015 में उस समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसका नाम JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रखा गया था। उस समझौते के मुताबिक ईरान पर 5 साल तक हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया था, साथ ही मिसाइल कार्यक्रम पर भी 8 साल तक रोक लगा दी गई थी। समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया और बचे हुए हिस्से की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों से करवाने पर राजी हो गया था। उस समझौते पर अमेरिका और ईरान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने दस्तखत किए थे।